ये चेक करें भाई साहब, ये क्या चीज है यार, ये कौन सी डक है, ये कितने के दोगे? 5000 के। भाई साहब चेक करें कितने डायनासोर हैं यार, ये तो पूरा डायनासोर, जैसे सांपों की गर्दन निकली होती है। यार तुमने ले लो अपने सेटअप के लिए, बहुत खतरनाक चीज है यार। सो गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार अभी हम मंडी आए हैं और हमने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मुझे तो चिक्स वगैरह लेने थे लेकिन मैं अभी नहीं ले रहा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, थोड़े दिन बाद लेंगे। लेकिन अभी साग ने जो है ना कोई डक्स वगैरह, साग क्या लेना है यार, एक बतख ले रहा हूँ मैं अपने लिए। साग अभी बतख ले रहा है अपने लिए, बहुत ही खूबसूरत किस्म की बतख है, देखते हैं अभी उनकी प्राइस वगैरह पता करते हैं। ये काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे और ये बतख अभी साग की है। देखिए देखते हैं ये शायद ले लें, अगर डील हो गई तो। नस्ल है ना, किड़ी नस्ल है, मरगाबी नस्ल है, मरगाबी नस्ल। भाई साहब यहाँ पे फिशर का बेयर रखा हुआ है, ये फिशर का बेयर कितने का मिलेगा? फिशर 3500 का है, आपके लिए कोई आपके तरफ से बंदा आएगा तो 2700 में देंगे। 2700 का बेयर भाई देंगे, है 3500 का बेयर है। इसके अलावा ये लकी कबूतर है, इनका बेयर कितने का मिलेगा? ये वैसे देते हैं 2000। अच्छा, कोई बंदा आ जाएगा 1600 में, 1600 रुपए में भाई ये पेयर मिलेगा। इस तरह का नारा है ना फुल, जी जी, 4000 का जोड़ा है। अच्छा, और आपके जो आपकी तरफ से आएगा उसके लिए हम बिल्कुल मुनासिब करें। आज मैंने देसी तीतर भी लाए हुए, देसी तीतर चेक कराएंगे भाई, अब मजा आ जाएगा, अभी देखेंगे देसी तीतर कैसे होते हैं। इंग्लिश में इसको अच्छा अच्छा दिखाएं। हां ये क्यों ना बोल रहे हैं, इनको देसी तीतर नहीं बोलते हैं? नहीं तीतरी बोलते हैं हम, देसी जबान में इसको तीतरी बोलते हैं। ग्यूनोपाल हमारे पास भी पड़ी हुई थी, ये देखें भाई चीज इस तरह से होगी और ऊपर उठ भी कर खड़ी भी नहीं हो सकती है। वैक्सीन देसी है, वो हम आदमी को नहीं बताते। सील मुर्गे भी हैं, सील चली भी पड़ी हुई है, मैंने सील अपने लिए लेने हैं लेकिन फिलहाल नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा सा जो है ना सेटअप हमारा रेडी हो जाए उसके बाद हम लेंगे। मुर्गी का रेट जो है 3000 मांगते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से कोई आएगा 2500 में देंगे। 2500 की मुर्गी मिलेगी, जबरदस्त हो गया भाई। दूसरी मुर्गी के हैं। अच्छा अच्छा, कितने के होंगे ये? तकरीबन 4.5 महीने के हैं। अच्छा, ये कितनी प्राइस है इनकी? 5000 मांगते हैं, आपकी तरफ से कोई आएगा 3500। 3500 के दोनों भाई, दोनों 3500 के मिलेंगे। गाइस अभी डक की जो है ना वो डील वगैरह करते हैं, लेनी है साग डक? डक हमने जो है ना वो ले लिया, अभी इसकी मैं फीमेल भी आपको दिखाऊंगा जिसके साथ हम इसका पेयर बनाने वाले हैं। इसको लेके जाते हैं घर और घर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चेक करें गाइस, मस्कोवी डक्स पड़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत किस्म के डक्स हैं, इनकी प्राइस वगैरह पता करते हैं। इसाक यार एक निकाल के मुझे दिखाओ ना भाई, एक बाहर पकड़ के देखते हैं यार ये इनका वेट वगैरह कितना होता है। फार्म वाली मुर्गी है ये, फार्म वाली मुर्गी। गाइस अभी हम मस्कोवी डक को पकड़ने वाले हैं और चेक करते हैं कि इसका वेट वगैरह कितना होता है। मेरी वाली मस्कोवी डक की भी आवाज नहीं आती बिल्कुल भी, ये साइलेंट मोड में होती है सारी। ये पूरा ये जो है इसका आवाज इस तरह होता है जिस तरह गला बैठा होता है, पंप पंप पंप। बहुत बदनी है और इसमें जोर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेरे मुंह पे नाच पा रही है, मुझे डर लग रहा है। ये शक्ल भी अजीब सी है, बहुत खतरनाक लग रहा है यार, इसको वापस रखते हैं, मुझसे पकड़ने नहीं हो रही। गाइस अभी हम इस ट्रक को वापस रखने वाले हैं, बड़ी अच्छी लग रही है। ये देखें भाई ये मस्कोवी डक थी, इसको मैंने वापस रख दिया और यहाँ से अभी हमने एक डक ली है, ठीक है वो अभी घर लेके जाते हैं और घर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। मियाँ वाली भाई चेक करें, इसको मियाँ वाली नस्ल बोलते हैं। खूबसूरती चेक करें भाई साहब, लड़ाई का काम खुद ना कर दे, ऐसी खूबसूरती आशो का रखते भी खूबसूरत चीज है, नहीं बहुत बुरी कर, बहुत जबरदस्त है। क्या प्राइस है इसकी? बंदे कर देता पहले प्राइस इसी अल्लाह के नाम पे 3500 मांगता हूँ, किसी भाई ने लेनी हो तो 3000 की भाई, 2500 के सुबह के तकरीबन 10 लाख लग चुके हैं। नहीं अच्छा, जबरदस्त चीज है, इससे बड़ा साइज भी है, सिंधी भी है, ये ओरिजिनल मियां वाली है, इसका चेहरा देखिए इसके नीचे कान वगैरह नहीं है, जी जी, इसकी आंख पांव बिल्कुल छोटे। रैबिट चेक करें भाई साहब, बहुत क्यूट है यार, मजे से जो है ना ये पालक खा रहा है और मैं छुप के इसकी वीडियो बना रहा हूँ, इसको पता ही नहीं है। पीछे वाले भी देखिए पालक खा रहे हैं। हमें मिल गए हैं भाई जो बोल नहीं सकते, अभी इनको समझाना पड़ेगा ये क्या चीज है। कुकड़िया तो लग रहा है, बतख है, बतख है, बतख है, देख लो बतख है, आई है क्या क्या
इनको भी समझाना पड़ेगा ये क्या चीज है ऐसे। भाईजान कितने पैसे ने ना दे, कितने पैसे ने? 3000 दो ना। पट्टियां बहुत खूबसूरत है यार, माशाल्लाह बहुत प्यारी पट्टियां है। साग 3000 दोनों का जी। लेनी है? हाँ बहुत खूबसूरत पट्टियां हैं। फाइनल कितने देते हैं भाई? अट्ठाईस सौ दो है फाइनल। चलें देखते हैं गाइस, पट्टियां बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। 1000 रुपए की दे दो ना एक, सही है ना भाई? खैर है ना भाई, 1000 रुपए मैंने बोला था। वैसे मेरा मूड फिलहाल नहीं है लेने का क्योंकि अभी सेटअप उस तरह से बना नहीं हुआ, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया था अगर दे देता तो ले लेते, लड़के ने नहीं दी। चले खैर है, अगली दफा इंशाल्लाह आएंगे, एक दफा ही शॉपिंग करेंगे, एक दफा ही लेके जाएंगे जो भी हमें पसंद आएगा। माशाल्लाह भाई किस तरह, ये लकी कबूतर 2000 का पेयर, दोनों पेयर है या फीमेल है? दोनों जोड़ा है। अच्छा अच्छा चेक करें गाइस, बहुत खूबसूरत किस्म के लकी पेयर है। अभी साग का असील ढूंढ रहा है, कोई असील नहीं मिल रहा है। तो यार अभी हम यहाँ से गुजरे थे और मैंने इतनी प्यारी कोई बकरी देखी है ना, मैंने ऐसी बकरी मतलब बहुत कम देखी है लाइफ में, दूसरी दफा ऐसी बकरी देख रहा हूँ। और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है यार, इतना प्यारा बच्चा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें भाई साहब कितनी प्यारी बकरी है यार, इसका बच्चा देखें छोटा सा, मुची 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 मुची, कितना प्यारा बच्चा है यार। इसके सींग भी अभी निकलेंगे बच्चे के, इसके पता नहीं कब सींग निकलेंगे, लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है यार माशाल्लाह। ऐसी बकरी हो ना बंदे के पास मजा आ जाए। चिनी 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 मिनी इधर आओ इधर आओ। देखिए कान कैसे ऊपर कर रहा है। ओए ओए कितना प्यारा है यार माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर न लगी, छोटा सा मुंह है इसका, छोटे से कान है, छोटे से मुंह है, कान बहुत बड़े बड़े हैं, मुंह छोटा सा ही है। ओए 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 बहुत प्यारा आ रहा है यार मुझे इस पर, बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। ये बकरा है और ये इसकी बकरी है और ये इसका बच्चा है, मतलब ये पेयर है और ये इनका छोटा सा बच्चा, एक ही बच्चा है लेकिन बहुत ही प्यारा है। हमारे पेट्स जू का काम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, अभी मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना सारे ब्लॉक में ले आया था और ये जो है ना इस तरह का फ्रेम बनेगा, एक दो और तीन कमरे इस तरह से बनेंगे। इसके ऊपर अभी जो है ना वो मिस्त्री भाई काम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो पूरा लगाएंगे। उस कोने में पहले हमने सोचा था वहाँ पे बनाएंगे, लेकिन फिर हमने ये जगह डिसाइड कर लिया है। अभी इस जगह पे जो है ना पूरे ऊपर तक कमरे बनेंगे और वो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि वो किस तरह से बनेंगे। तो भाई साहब अभी सेटअप पे वापस आ चुके हैं और अभी कबूतरों का जो है ना वो दाना डालते हैं। किधर, इधर ही डालू? दरमियान में इधर आ जाओ भाई, सारे कबूतर अंदर आ जाओ। सॉरी वो देखें वो सारे ऊपर जा रहे हैं। ओ, ओ, आ गए आ गए आ गए, आप डालते रहो। क्यों ना बोल दे, डर गए शायद। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, दाना आ गया। सारे मुर्गे बाहर निकले ना भाई साहब। डक जो है ना वो नई वाली हम लेके आ गए थे और उसको हमने आके जो डक्स हैं उनके साथ छोड़ दिया, बाकी सारी फीमेल्स थी उनके साथ अभी पेयर बना रहा है। ठीक है, उनके साथ फुल अटैचमेंट हो गई। ये देखें उसको जैसे ही ला के छोड़ा है ना माशाल्लाह से, उसी टाइम जो है ना उनकी दोस्ती हो गई आपस में और ये आपस में घूमने फिरने लग गए। बहुत अच्छा हो गया यार, मतलब सेटअप कंप्लीट हो गया पूरा, इनका सेट एक बन गया, तीन फीमेल्स और एक मेल। अभी उतरो बाहर निकलो यार, कहाँ चले गए उनके लिए मेरे ख्याल से ऊपर ही डाल दो यार, फिर से अंदर जा रहे हैं यार। इनको सारे नीचे गुना फाउल मारती है ना। अच्छा अंदर अंदर ही डाल दो। मुर्गे आके खा जाते हैं तो बेचारे तो है ना डरते हैं इनसे। देखिए अंदर कैसे खा रहे हैं। राजा भी खत्म हो गए। इधर आओ जी, खाओ 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 खाओ। इसमें भी है थोड़ा सा, इसको भी डालते हैं। ये लो खाओ, मजे करो। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जाओ मैं आदर के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।